बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबके लिए लाई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी और साथ ही में रायते की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह तैयार करेंगे और इसके लिए किन चीजों की जरूरत है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 1 किलो बासमती चावल, 3 से 4 आलू, 8 से 10 प्याज, मीडियम साइज की प्याज है ये, 6 से 7 टमाटर, 3 से 4 टेबलस्पून दही, कोथमीर और पुदीने के पत्ते, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, ये प्योर घी है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कुछ खड़े मसाले। तो उसमें है तेज पत्ता, काली मिरी, दालचीनी, बड़ी इलायची, शाहजीरा, कुछ जावित्री, एक छोटा चक्री फूल, इलायची, लौंग। तो चलिए अब हम हमारी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमें इसके लिए ऑयल और हमें जरूरत होगी पानी की भी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो सबसे पहले हम हमारे चावलों को अच्छी तरह वॉश करके इसे भिगा, गैस पर एक पतीला रख लिया था, उसे अच्छी तरह गर्म होने दिया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो मैं ये चम्मच से ऑयल माप के डालूंगी। तो मैंने इसमें 4.5 चम्मच के करीब ऑयल डाला है, ये वाले चम्मच से मैंने माप के डाला है। हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें हमारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े गर्म मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह सटकने देंगे। फिर हम इसमें अब हम इसमें हमारी प्याज शामिल कर देंगे। ये 10 मीडियम साइज की प्याज है। प्याज में हम 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल देंगे, जिससे कि ये ब्राउन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। इसे मिक्स कर लेंगे। हमने चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरह धोकर उसे भीगने के लिए रख दिया है, जब तक हमारा मसाला तैयार होगा, जब तक चावल इसी तरह भीगे रहेंगे। ये बिरयानी तकरीबन 2 किलो तक बनेगी। अगर आप कम या ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप अपनी चिकन और चावल के हिसाब से मसाला कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं इसी कलर में लाने के लिए। अब हम इसमें हमारी जो चिकन है वो शामिल कर देंगे। मैंने चिकन को अच्छी तरह वॉश करके इसका सारा पानी निकाल लिया था, अब हम वो शामिल करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे इस समय। अब जो हमने 5 से 6 जो टमाटर लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। हमें सारी चीज़ें बैक टू बैक ही डालनी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तकरीबन 4 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। अब हम इसमें जो हमारा दही था हम वो डाल देंगे। ये मेरा घर का जमाया हुआ दही है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, जिसमें है हल्दी 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, ये हम सारा ही डाल देंगे, 2 टेबलस्पून था। नमक हमने कांदा गोल्डन होने के समय भी डाला था, अब हम इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे कि हमारे चावलों में भी नमक होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारा गरम मसाला पाउडर, ये 1/2 टेबलस्पून के करीब है। इसे हम अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे कोथमीर और पुदीने थे, यह हम ऐसे ही रफली चॉप करके डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
गैस की फ्लेम अब इस स्टेज पर हम मीडियम कर लेंगे। इसका पूरा पानी अच्छी तरह खुद ही निकलने तक हम इसमें जरा भी पानी शामिल नहीं करने वाले हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें जरा भी पानी शामिल नहीं करना है। इसे इसी तरह जरा भी पानी शामिल नहीं करना है, इसी तरह मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है। इसमें दही और टमाटर शामिल किया था और चिकन भी अपना पानी रिलीज करती है, तो उसी में हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाएगा। हमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसे हम अच्छी तरह मसाला इसका अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह कुक हो चुका है। हमारी चिकन भी अच्छी तरह गल चुकी है। अब हमें इसी तरह इसका पूरा पानी सूखने तक पकाना है। मैंने गैस पर एक और बड़ा बर्तन रख लिया है, गैस की फ्लेम हाई पर रखेंगे। अब हम इसमें जो हमने थोड़े गरम मसाले बचा लिए थे हम वो डालेंगे। कुछ लौंग है, कुछ काली मिरी है, कुछ हरी इलायची है और एक दालचीनी है। इसमें हमें तेज पत्ता, इसमें हम 2 से 3 तेज पत्ता। अब हम इसमें हमारे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। मैंने हाफ नींबू ले लिया है, इसका रस हम इसमें डाल देंगे। मैं इसमें ये हाफ इसी तरह नींबू डाल दूंगी। छिलके के साथ ही इसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके, हमारा मसाला अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब हम इसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे, ये 1 नींबू का रस है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने 3 से 4 आलू लिए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे हम अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह रहने देंगे। हमारे पानी को अब बॉईल आने वाला है। अब हम इसमें हमारे चावल शामिल कर देंगे। हमारे पानी में हमने चावल शामिल कर दिए हैं, इसे हम 1 कनी रहने तक का ही सिर्फ कुक करेंगे। अगर आप गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो हमारा मसाला नीचे से लग सकता है और हमारी पूरी बिरयानी में जली हुई स्मेल आ जाएगी। तो हमें इसे इसी तरह स्लो फ्लेम पर तेल ऊपर आने तक के कुक। आप देख सकते हैं हमारे चावल कितनी अच्छी तरह बॉईल हो रहे हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। इसमें 1 कनी ही रह गई है। अब हम इसे इसका पानी, हमारे मसाले का पानी भी अच्छी तरह सूख गया है और ये बहुत अच्छी तरीके से भून गया है। आप अगर चाहते हैं तो इस स्टेज पर ही चावल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर और भूनूंगी, फिर मैं इसमें चावल शामिल। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, अच्छी तरह फैला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह ढक कर स्लो फ्लेम पर इसे दम पर रखेंगे। इसे दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही रखना है। बिरयानी को दम पे रखे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी तरह से भाप आ गई है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब थोड़ा थोड़ा करके सब जगह घी शामिल कर दूंगी और हम इसे फिर से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम इसे फिर से ढक के 10 मिनट के लिए गैस बंद कर। बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है रायता, जिसे कचुंबर भी बोला जाता है। तो उसे मैं आपको बताती हूँ कि उसे हम किस तरह तैयार करेंगे। मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक बारीक चॉप कर ली थी। इसी के साथ मैंने टमाटर, हरी मिर्च, कोथमीर, थोड़े कुछ पुदीने के पत्ते और 1 मीडियम साइज का खीरा यानी कि ककड़ी, मैंने इसे अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी और साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा दही। ये 3 से 4 टेबलस्पून के करीब दही है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है हमारा रायता
अब हम बिरयानी हमारी बिरयानी को गैस की फ्लेम ऑफ करके रखे, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम ये तैयार है हमारी जबरदस्ती बिरयानी, तो इसे हम मिक्स नहीं करेंगे। ये जो व्हाइट राइस है इसे हम साइड में कर लेंगे। पहले जो ये मसाला है हम वो ले लेंगे। देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी बिरयानी तैयार हुई है। अब हम इसी के ऊपर हमारे जो व्हाइट राइस है वो डालेंगे। इसे हमें इस तरह सर्व करना है, बिरयानी मिक्स नहीं करनी। जी तैयार है हमारी जबरदस्त सी चिकन बिरयानी, और साथ ही में इसके साथ मैंने सर्व किया है रायता। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।